सभी किसान मित्रों को ब्रजेश तिवारी का राम राम नमस्कार सलाम सत श्री अकाल सभी को आदाब। मित्रों आज हम मनीष भाई के डेयरी फार्म पे विजिट कर रहे हैं और जो भी भैंसें यहाँ सेल के लिए अवेलेबल हैं हम आप लोगों को बारी बारी से एक एक भैंस की फुल डिटेल देने वाले हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पहली भैंस से हम शुरुआत करेंगे। मनीष भाई नमस्कार। नमस्कार तिवारी। मनीष भाई आज भैंस कितनी भैंसें सेल के लिए अवेलेबल हैं? 8 भैंस आया अभी। कितने दूध से लेके कितने दूध तक की? दूध में 9 लीटर से लेकर अभी 6 लीटर दूध तक की है। अच्छा, एक टाइम का 6 लीटर से लेके 9 लीटर तक की है जो करंट में दे रही है अभी हाजिर में। अगर पूरी मिल्किंग पीरियड की बात की जाए तो मतलब 20 से ऊपर जाएंगी कि क्या? प्लस में रहेगी, अभी इसको देने हुए 8 दिन हुआ। अच्छा, इसकी अंदर की क्वालिटी मौसम देखा बस। बहुत बढ़िया, ये अभी दूसरा ब्याह है। बहुत बढ़िया, और इसको बच्चा दिए हुए 8 दिन हुआ। 8 दिन? हाँ। अभी इसका कितना दूध है? अभी 8.5-9 लीटर हाजिर में। मित्रों आप लोग अंडर की क्वालिटी देख सकते हैं, जो ये सेफ है, ये मूत्र मास से लेके और नाभि के इंटर तक टच होती है और जो इसकी थनों के टीट्स की जो बनावट है एकदम पोली चुवाई की है। ऐसी ही भैंसे आप लोगों को सिलेक्ट करनी है और जो इसका स्ट्रक्चर है आप लोग देखें, प्योर ब्रिड में है, आगे का हल्का और पीछे जैसे जैसे भैंस जा रही है वैसे भारी होता जा रहा, तो ऐसी ही भैंसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। मनीष भाई इसका कितना प्राइस होगा? 1,85,000। 1,85,000 फाइनल रेट है कि कुछ कंसेशन भी होगा? होएगा, कम ज्यादा होएगा। अच्छा, सामने गिरा गया तो हो जाएगा। ओके, दूसरी भैंस? ये भी जाने लिया। ओके, ये अभी तीसरा लिया स्टेशन में, इसको अभी 8.5-8 लीटर हाजिर में दूध है। 8.5 लीटर करीब हाजिर में दूध है? 8.5-8 लीटर हाजिर में। दो टाइम चार टाइम निकल सकते, दो टाइम चार टाइम आप दूध निकाल के चेक कर सकते हैं। तो मित्रों ये दूसरी भैंस जो आप लोग देख रहे हैं इसकी भी क्वालिटी देखें, आर्डर की क्वालिटी आप लोगों को सेफ बहुत ध्यान देना है। जो पीछे को आर्डर निकलता है उस वैसी भैंस से सिलेक्ट करना है जो आप लोगों को भविष्य में जिनकी पाड़ियां आएँ तो आप अच्छे से पाल सकें और बहुत अच्छे रिजल्ट आएँ। सभी की जो थनों में गैपिंग है, आप पीछे से मैं बैक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये गैपिंग भी बहुत बढ़िया है और जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप लोग देखें, काफ़ी भारी भरकम स्ट्रक्चर है। और मनीष भाई के पास जो भी भैंसें अवेलेबल रहती हैं एक से एक टॉप क्वालिटी की भैंसें अवेलेबल रहती हैं जो हाई मिल्किंग की होती हैं, तो आप लोगों को ऐसी ही भैंसें सेलेक्ट करें और अच्छा डेयरी फार्म का चुनाव करें जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे, बेहतर रेट मिल जाए, बेहतर भैंसें मिलें। मनीष भाई तीसरी भैंस की क्या डिटेल है? ये अभी 3 दिन हुआ, परसों रात को जनी, आज सुबह में पूरा साफ किया इसको। ओके, निकाल लिया। ओके, अभी सुबह में 6.5-7 लीटर निकाल दिया। 6.5-7 लीटर। हाँ। वैसे ये अगर पूरे दूध पे आएगी तो कितने की कितने 9 लीटर तक रहेगी? 9 लीटर तक। हाँ। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं ये करीब 9 लीटर टाइम दूध करेगी और जो भी मनीष भाई बता रहे हैं आपको वैसा ही है आप लोगों को मिलेगा। जो भी रियलिटी है वही हम रियलिटी बेस पे वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं और जो एक्चुअल है वही दिखाते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, तो रियलिटी के बेस पे ही हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे पाते हैं। मनीष भाई इसका प्राइस कितना होगा? इसका 1.5 लाख रुपया। और जो ये सेकंड वाले? उसका 1,65,000। 1,65,000। ये जो चौथी है ये भी दूसरा नेक्स्ट स्टेशन में, इसका भी 7.5-8 लीटर दूध हाजिर में बने लिए। ओके, हाइट लेंथ भी फुल बढ़िया, बॉडी स्ट्रक्चर भी। मित्रों इसकी जो हाइट है वो बहुत है, देखें आप जो ये साइड वाली भैंस है थोड़ी सी छोटी है बट इसकी हाइट बहुत अच्छी है। और मनीष भाई कितने दिन की जनी है? ये 8-10 दिन होगा जनी। 8-10 दिन की। अभी इसका कितना दूध है? अभी 7 लीटर से 8 के बीच में है इसका। 7 से 8 लीटर के बीच में है, तो आप लोग ये माने कि करीब 15-16 के अराउंड में रहेगी, ये 16 प्लस भी कर सकती है, बस आपको कितना खिलाने पिलाने में मेंटेन करना है। क्योंकि फुल हाइट की है तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। जो बॉडी स्कोर है इसका, अगर हम इसकी बॉडी स्कोर की लंबाई की बात करें तो करीब 8.5-9 फुट की लंबाई होगी जो बॉडी की लेंथ है। तो
हार्ट में भी बढ़िया है, ब्रेड में भी बढ़िया है और दूध में भी आप लोगों को सेकेंड लैक्टेशन में अगर 16 लीटर के नियर अबाउट मिल रहा है तो यानी कि वो थर्ड जब फोर्थ में जाएगी तो करीब 19, 20, 22 लीटर के नियर अबाउट में रहेगी, 19 से 22 के बीच में। तो आप लोगों को ऐसी क्वालिटी की भैंस सेलेक्ट करना है। पांचवी भैंस की मनीष भाई, ये बीजनी लिए, इसका भी हाजिर में 7 लीटर दूध है और जनी उसको 5 बार दी है। अच्छा, ये तीसरा ब्यात है, ये तीसरा ब्यात है। तो मित्रों आप लोग इसकी भी ऑर्डर की क्वालिटी देख सकते हैं, जो पीछे का निकला हुआ भाग है ऐसा ही ऑर्डर सेलेक्ट करना है। और ऐसे ऑर्डर की भैंसें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती हैं मिल्किंग में। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। और ब्रिड की क्वालिटी है वो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फेस, जो इसका फेस की बनावट है वो दिखा रहे हैं। और मनीष भाई इसका प्राइस कितना है? इसका भी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपये, ओके। अगली भैंस जो है ये तीसरा लैक्टेशन में अभी कल जन्मी है, अभी चीक है उसको। अच्छा मित्रों, ये थोड़ी सी हाइट में कम है, ये तीसरा दिन इसका जना हुआ है, अभी ये चीक में खाली हो गई? नहीं अभी चीक है, अभी चीक है, तीसरा टाइम निकाला, अभी तीसरा टाइम निकाला है। तो मित्रों मैंने 3 दिन बोला था वो, सॉरी इसके लिए, अभी इसका तीसरा टाइम है, दूध चीक में अभी है, ये पूरा खाली नहीं किया है और इसको खाली करेंगे। ये ब्रिड की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ब्रिड में है। तो मनीष भाई के पास जो भी भैंसे हैं वो ब्रिड की हैं और हाइट में छोटी है। मनीष भाई इसका प्राइस कितना है? इसका 1,30,000। 1,30,000, और ये दूध कितना कर देगी? दूध निकालेगी 15 से 16 लीटर। 15 से 16 लीटर पूरे दिन का इतना निकाल देगी? हाँ पक्का निकालेगी, अभी 5 लीटर तो चीक निकाल रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग जब आए तो देखो आप लोगों को ना हमारी बात पे ट्रस्ट करना है ना मनीष भाई की बात पे ट्रस्ट करना है, भैंस का दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद ही आपको जो दूध मिलता है वही सत्य है, तो आप लोग उस पे ट्रस्ट करें। अगली मनीष भाई जो दूसरे ब्यात की पाड़ी है, मित्रों ये बहुत बढ़िया पाड़ी, एक आप लोग देख सकते हैं दूसरे ब्यात की पाड़ी है। और जो इसका बॉडी, जो बॉडी की बनावट है वो जैसे मुर्रा की बनावट आप लोगों ने देखा होगा, एकदम फिट एंड फाइन, वैसी बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसका कितना दिन हुआ जने हुए? इसका भी दूसरा दिन है। दूसरा दिन है? हाँ। अच्छा, अभी चीक में खाली हो गई? नहीं चीक ही है अभी, अभी कच्चा ही दूध है। अभी मित्रों इसका चीक खाली नहीं हुआ, कच्चा दूध है। बहरहाल मनीष भाई कितना कर देगी ये? ये निकालेगी 14 से 16 लीटर। अच्छा, तो इसका करीब जनमन जो प्राइस है वो कितना होगा? 1,30,000। 1,30,000, तो इसमें कंसेशन अगर कोई आएगा तो हो जाएगा? हाँ, ना हो जाएगा। मित्रों देखो मनीष भाई 1,30,000 रुपये इसका प्राइस बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास व्यापारी भी आते हैं और किसान भी आते हैं। तो आप लोग जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो जब आमने सामने बैठेंगे तो जो जेन्युइन प्राइस होगा वो आप लोगों को यहाँ पे मनीष भाई बोल देंगे, आप लोग उनसे बातचीत कर लेना और आपको एक अच्छे रेट में ये भैंस मिल सकती है। अगली मनीष भाई जो आठवीं है, ये अभी जनी लिए, आज ही जनी? नहीं अभी जनी, मतलब इसका अभी हाजिर में 6 लीटर दूध चालू है और 5-6 दिन हुआ जनी इसको। तो इसकी भी ऑर्डर की क्वालिटी देखे, बहुत बढ़िया ऑर्डर है और पीछे से लेके आगे तक ऑर्डर की बनावट बहुत अच्छी है। मीडियम साइज की भैंस है, बहुत ना ऊंची है ना बहुत छोटी है, मीडियम साइज की भैंस है पर स्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया। ब्रिड में थोड़ा सा ये प्योर ब्रिड में नहीं है, ना काठियावाड़ी में है ना प्योर ब्रिड में, क्रॉस में है। तो आप लोग क्रॉस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसका बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है। मनीष भाई इसका प्राइस कितना है? 1,10,000। 1,10,000 कितना दूध कर देगी? अभी ये दूध निकालेगी 14 से 16 लीटर। 14 से 16 लीटर ये दूध निकाल देगी। और जो इसका प्राइस बताया है वो 1,10,000 रुपये बताया है। जब आप मनीष भाई के पास में आएंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे इसमें कंसेशन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें एक खास बात इस भैंस में मैंने देखी है, जो इसकी स्किन है तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसकी बॉडी में ये थोड़ी पतली पतली सी नलियां टाइप में दिख रही हैं आप लोगों को,
तो ये भैंस की अच्छी दूध वाली मिल्क लाइन की जो भैंस होती है उसके कैरेक्टर दर्शाती है। आप इन बातों को भी खूब ध्यान से देखें और जब ख़रीदारी करने जाएं तो हर भैंस की जो आर्डर की क्वालिटी है, जो गैपिंग है, वो सभी में ज़रूर देखें। मैं आपको हर भैंस की गैपिंग ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी इसका थोड़ा सा इसका भी गैपिंग देख सकते हैं। इसमें एक जो इसका माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि इसकी उल्टी दुहान है, आगे के थन थोड़ा सा बड़े हैं, पीछे के छोटे हैं। मनीष भाई, ये दुहान के टाइम पे बराबर हो जाते हैं कि? बराबर हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि अभी चीक में ये खाली नहीं हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। बहरहाल जब आएँ तो आप लोग पूरी तरीके से तसल्ली करें और तसल्ली करने के उपरांत ही सारी भैंसें खरीद सकते हैं। ये पूरा लॉट है। और मनीष भाई के उधर साइड में कुछ घर की भैंसें हैं 6-7, उधर बाकी कुछ भैंसें उधर अवेलेबल हैं। तो हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि आप कहीं भी ख़रीदारी के लिए जाएं तो बेहतर से बेहतर पशुधन खरीदें। मनीष भाई, अब इधर आप खड़े हो, हम 2-4 बातें आपसे पूछेंगे। मनीष भाई, अगर कोई भैंस आपके पास से ले जाता है, हाँ, और उसको मिल्किंग मिलाना हो, जैसे बच्चा वहाँ पे देती है, हाँ, तो कई बार भैंसें जल्दी मिल्क में नहीं आती हैं, चढ़ती नहीं हैं, कुछ खाती नहीं है, तो क्या क्या करना चाहिए किसान को जिससे कि जल्दी से वो खाने पीने लगे? उसको गुड़ और तेल खिलाना चाहिए। गुड़ और तेल, हाँ, मिक्स करके, हाँ, अच्छा, कपास का खल में डाल के, कपास के खल में डाल के, हाँ, ओके। और यहाँ से जाने के बाद सेट करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ या वो यूज करना चाहिए? दवाइयाँ तो हम कुछ यूज नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन लगता है। क्या है कि लंबा रास्ता रूटिंग होता है तो उसको थकान भी लगती है, इसलिए 2-3 दिन चले जाते हैं। नहीं, जो समस्या होती, देखो मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सर कुछ खा पी नहीं रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? थकान, जो डॉक्टर को बुला के जो थकान का इंजेक्शन है उसको खाने पीने का, वो सब लगवाते। अच्छा, तो वो जल्दी से खाने पीने लगती है। और दूध बढ़ाने के लिए कपास की खल, गुड़ और थोड़ा सा आयल उसमें डाल के खिलाया जाए तो जल्दी से मिल्क में वो आ जाएगी। आपका यही कहना है ना? बाकी आपके पास रहने खाने की सारी सुविधा अवेलेबल है ना? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मित्रों, ये सारी डिटेल आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।